हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ द फ्लो साइटोमेट्री। सो फ्लो साइटोमेट्री इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड मेजर द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स और पार्टिकल्स। यानी कि जो सेल्स हैं या फिर कोई पार्टिकल है, सेल्स कहाँ से आएगी? बायोलॉजिकल सैंपल्स से। और पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे? किसी अदर टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी टाइप के पार्टिकल्स। तो उनका फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेक्ट करना और फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को मेज़र भी करना, केवल डिटेक्ट करना नहीं। डिटेक्ट करना मतलब हो गया क्वालिटेटिव, और मेज़र करना यानी हो गया क्वांटिटेटिव। तो फ्लो साइटोमेट्री एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड है, दोनों टेक्निक है, जिसमें किसी सेल को या किसी पार्टिकल के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिटेक्शन भी किया जाता है और साथ में मेजरमेंट भी किया जाता है। इन दिस टेक्निक, इन दिस प्रोसेस, अ सैंपल कंटेनिंग सेल्स और पार्टिकल्स इज सस्पेंडेड इन द फ्लूइड एंड इंजेक्टेड इनटू द फ्लो साइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट। द सैंपल इज फोकस्ड टू आइडियली फ्लो वन सेल एट अ टाइम थ्रू ए लेजर बीम। तो एक मशीन है, उस मशीन में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उस सैंपल को, और वो जो सैंपल रहता है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। बेसिकली ये एक फ्लूइड होता है जिसको इंजेक्ट किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। अगर वो पार्टिकल्स हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उस फ्लूइड में, और उस फ्लूइड को उस मशीन में जो कि फ्लो साइटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। तो इंजेक्ट करने के बाद आइडियली होता क्या है, वन बाय वन जो सेल होती है वो लेज़र बीम के कॉन्टेक्ट में आती है, और लेज़र बीम जो होती है वो लाइट, जो जो सेल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग लाइट को स्केटर्ड करती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी सेल आई है, सपोज़ कीजिए लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट की सेल बड़ी है, मैक्रोफेज बड़ा है ना, तो बड़ी सेल जो होगी वो लाइट की जो बीम है उसको ज़्यादा स्केटर्ड करेगी। और मान लीजिए छोटी सेल आई है, सपोज़ कीजिए प्लेटलेट है या फिर RBC है, तो जो डिफ्रेक्शन होगा उस लाइट का वो कम होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है लाइट स्केटर्ड हो जाएगी, ठीक है। सेल्स आर ऑफन लेबल्ड विथ फ्लोरोसेंट मार्कर्स सो द लाइट इज अब्सॉर्ब्ड एंड देन इमिटेड इन ए बैंड ऑफ वेवलेंथ्स। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन सेल्स को पहले से ही फ्लोरोसेंट मार्क कर दिया जाता है, तो जो लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या बिहेव करता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो कि वो कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और हायर वेवलेंथ को इमिट करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। फ्लोरोसेंट मटेरियल जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें लोअर एनर्जी, मतलब जो उसके फोटॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। और एक प्रिंसिपल है आप याद रखना हमेशा, कि जहाँ वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी कम होगी, ओके, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये प्रिंसिपल है बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि जो स्टूडेंट है फिजिक्स के वो जानते हैं इस चीज़ को, कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। और एक और है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है और ये पता होना चाहिए। तो जब फ्लोरोसेंट मटेरियल पर हम जो उस पर फोटॉन्स, जब उस पर हम लाइट डालते हैं, तो जो लोअर वेवलेंथ होती है वो हायर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो फोटॉन्स होते हैं उनमें हाई एनर्जी आ जाती है, इसलिए वो लोअर वेवलेंथ वाली फोटॉन्स को ले रहे होते हैं। तो हाई एनर्जी जब वापस से लोअर एनर्जी के फोटॉन्स में कन्वर्ट होती है तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है ना। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल पर अगर आप कोई ऐसी लाइट डालोगे जो कि मान लीजिए यूवी रेस की लाइट है, तो हमें वो विजिबल लाइट में दिखने लगेगी। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं आपको बताता हूँ, कि फॉर एग्जांपल ये वेवलेंथ है और ये इस टाइप से होती है। यहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको धीरे धीरे कम फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर वेवलेंथ कम देखने को मिलेगी और यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। वेवलेंथ क्या होती है, दो डाउन्स या फिर दो अप्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये ज़्यादा है तो ये बड़ी वेवलेंथ है, और यहाँ दो अप्स या दो डाउन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है, तो यहाँ वेवलेंथ कम है। तो इस वाले पोजीशन पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी और जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, और इस वाले पोजीशन पर जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी और वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऑलमोस्ट इन मिडिल ऑफ दैट, अगर हम कहें कि यहाँ पर विजिबल लाइट का वेवलेंथ है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ 350 से लेकर 800 नैनोमीटर तक होता है,
यूवी रेस का वेवलेंथ और भी कम होगा, तो और विजिबल लाइट के इधर आप जाएंगे तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ आ जाएगा। तो जब हम यूवी रेस की लाइट डालते हैं तो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, लोअर लेमडा को हायर लेमडा वाली लाइट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है कि जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है उसका लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और जब उसके फोटोन मतलब हाई एनर्जी में रहेंगे उस समय, लेकिन जब वो एनर्जी इमिट करेंगे और लो एनर्जी में आएंगे, तो लो एनर्जी यहाँ पर है, लो एनर्जी यहाँ पर, आप ये भी देख लीजिए कि जो एनर्जी है वो लेवल यहाँ पर, आप फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम है। तो जो फ्लोरोसेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी में जब जाएंगे एब्जॉर्ब करेंगे फोटॉन्स को, और जब वो वापस से एनर्जी लूज़ करेंगे तो हायर वेवलेंथ वाली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज़ करेंगे। ये प्रिंसिपल है फ्लोरोसेंट मटेरियल का। तो अगर मान लीजिए सेल्स फ्लोरोसेंट लेवल्ड है तो हमें फिर बाद में बैंड्स ऑफ हायर बैंड्स ऑफ वेवलेंथ देखने को मिलेगी। तो इससे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स कैन बी क्विकली एग्जामिन्ड एंड द डाटा गैदर्ड आर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। तो फाइनली बहुत फास्ट, मतलब विद इन ए सेकेंड, यहाँ आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और हमें एक कंप्यूटर पर डाटा मिल जाएगा जिसमें हम ये बता सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में किस किस टाइप की सेल्स हैं, या किसी भी केमिकल्स के सॉल्यूशन में किस किस टाइप के केमिकल्स हैं, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो साइटोमेट्री, एंड दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री इज़ रूटीनली यूज्ड इन बेसिक रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। द यूज़ ऑफ फ्लो साइटोमेट्री इंक्लूड्स, हम इसको देखिए सेल काउंटिंग में यूज़ करते हैं। आखिर किसी एक, मान लीजिए ब्लड है, तो ब्लड में कितनी आरबीसी है, कितनी डब्ल्यूबीसी है, इसको हम फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू काउंट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं कि मान लीजिए आरबीसी है तो वो रेटिकुलोसाइट्स हो सकती है, स्फेरोसाइट्स हो सकती है, उसका भी हम बाइफर्केशन कर सकते हैं। सेल सॉर्टिंग है तो अलग अलग टाइप की सेल को ये सॉर्ट कर देगा। डिटरमाइनिंग सेल करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, कौन सी सेल क्या है, सपोज़ कीजिए प्लेटलेट्स को अलग बता देगा ये, न्यूट्रोफिल्स को अलग बता देगा, मोनोसाइट्स को अलग बता देगा। डिटेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो अगर कोई आपके पास कोई कंटेमिनेटेड मटेरियल आया है, सपोज़ कीजिए पस आया है, तो आप बता सकते हैं कि उसमें स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफलोकोकस है, तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें भी डिमार्केशन कर सकता है। बायोमार्कर डिटेक्शन, तो बहुत सारे बायोमार्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे बायोमार्कर्स जो होते हैं लिगेंड फॉर्म में होते हैं, तो कुछ कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के बायोमार्कर्स होते हैं। बायोमार्कर क्या है इस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। तो बायोमार्कर जो हैं दे आर बेसिकली द सर्टेन टाइप ऑफ एजेंट्स जो कि किसी भी डिसीज कंडीशन में लेवल इसका या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, और दे आर पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस, दे हैव ए पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस कि पर्टिकुलर किसी डिसीज में जब इसका लेवल बढ़ता है या घटता है तो उसको अगर हम मेज़र करते हैं तो हमें पता चलता है कि दैट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज़। तो बायोमार्कर का भी एक वीडियो सेपरेट है, उसको आप देख सकते हैं। देन प्रोटीन इंजीनियरिंग डिटेक्शन में यूज़ करते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन फोल्ड्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी फोल्ड है, सेकेंडरी फोल्ड है, टर्शरी फोल्ड है, किस टाइप का लीनियर अपेरेंस है, कंपाउंड अपेरेंस है, कॉम्प्लेक्स अपेरेंस है, तो वो पता चल सकता है। डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर सच एज ब्लड कैंसर, तो सपोज़ कीजिए ल्यूकेमिया है या फिर माइलोमा है, तो डिफरेंट टाइप के लिम्फोमा हैं, तो इसका भी डिटेक्शन जो है किया जा सकता है। मेजरिंग जीनोम साइज़, तो डिफरेंट टाइप के जो जीनोम्स होते हैं, मान लीजिए ह्यूमन जीनोम है तो अलग साइज़ होगा उसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियोइड का अलग साइज़ होगा, तो उसको भी मेज़र फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू किया जा सकता है। नाउ कम्स टू द हिस्ट्री, तो सबसे पहले जो इम्पीडेंस बेस्ड फ्लो साइटोमेट्री डिवाइस है, 1953 में वेलेस एच कॉल्टियर ने ढूंढा था, डिस्कवर किया था, और ये बेस्ड था कॉल्टर प्रिंसिपल पे। तो वॉलेस एच कॉल्टर ने सबसे पहले इम्पीडेंस बेस्ड फ्लो साइटोमेट्री
डिवाइस बनाया, डिस्क्लोज किया इन 1953। इसके बाद में जो मैक फुल वेलर है, मैक फुल वेलर वॉज इन्वेंटर ऑफ द फॉर रूनर टू टूडेज फ्लो साइटोमीटर। तो अभी जो फ्लो साइटोमेट्री है, जो अभी जो फ्लो साइटोमीटर है उसको किसने इन्वेंट किया है, वो किया है मैक फुल वेलर ने। ओके, और ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली ये सेल सॉर्टर की तरह काम करता है। इसके बाद जो फ्लोरोसेंट वाला फ्लो साइटोमेट्री है, ये डिवाइस सबसे पहले डेवलप हुआ था 1968 में बाय वॉल्फ गेंग घोड़े द्वारा। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। पहला तो ये है कि जिसने इम्पीडेंस बेस्ड फ्लो साइटोमेट्री दिया वो है वॉलेस एच कॉल्टेर ने, और ये बेस्ड है ऑन कॉल्टेर प्रिंसिपल पे। दूसरा जो फ्लो साइटोमीटर जो आजकल यूज़ हो रहा है वो दिया है फुल वेलर ने 1965 में दिया है। और इसके बाद जो तीसरा अभी फ्लोरोसेंट फ्लो साइटोमेट्री दिया है वो दिया है वॉल्फगैंग घोड़े ने, ओके, इन 1968, जस्ट 3 साल बाद। तो पहले फ्लोरोसेंस बेस्ड फ्लो साइटोमेट्री को पल्स साइटोफोटोमेट्री कहा जाता था। लेकिन बाद में जो फ्लो साइटोमेट्री है यही टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो फ्लो साइटोमीटर में ये देखिए कि सेल ये स्टेप्स इसमें पुश हुई है, यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सेल होती है ये वन बाय वन यहाँ से इस नोज़ल से पास हो रही है, यहाँ से लेज़र बीम दिया जाता है। तो ये सेल एक के बाद एक जाती है और लेज़र बीम जैसे ही यहाँ जाती है ये सेल से टकराती है, और टकराने पर जो इसके सिग्नल्स हैं वो अलग अलग डिटेक्टर के थ्रू जनरेट होते हैं और उसको सिग्नल्स को रीड आउट किया जाता है, जो कि फाइनली एम्पलीफाई होता है यहाँ पे, और एम्पलीफाई होने के बाद में उसको सिस्टम पे कंप्यूटर में एनालिसिस किया जाता है। तो जो फ्लो साइटोमीटर की मशीन है इसमें 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है अ फ्लो सेल, तो ये फ्लो सेल है। दूसरा है अ मेजरिंग सिस्टम, ये पूरा मेजरिंग सिस्टम है। फिर डिटेक्टर, ये मेजरिंग सिस्टम है, ये डिटेक्टर हैं इतने सारे। और डिटेक्टर के बाद में एन एम्पलीफिकेशन सिस्टम, ये ACC एक एम्पलीफिकेशन सिस्टम है। और फिर फाइनली कंप्यूटर है फॉर द एनालिसिस। ये फ्लो साइटोमीटर के कंपोनेंट्स होते हैं। द फ्लो सेल हैज़ ए लिक्विड स्ट्रीम, यानी कि शीत फ्लूइड, विच कैरीज एंड अलाइन द सेल सो दैट दे पास सिंगल फाइल थ्रू द लाइट बीम फॉर सेंसिंग। तो ये यहाँ पर जो फ्लो सेल है इसमें सिंगल सेल पास होने के लिए एक कॉलम होता है और उसमें लाइट बीम रिफ्लेक्ट होती है। द मेजरिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस और कंडक्टिविटी, एंड ऑप्टिकल सिस्टम जो होता है वो उसमें लैम्प होता है। तो जो मेजरिंग सिस्टम हैं, ये जितने भी मेजरिंग सिस्टम्स हैं, ये सभी मेजरिंग सिस्टम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी और इम्पीडेंस को मेज़र करते हैं। और जो ऑप्टिकल सिस्टम है, ये जो लेज़र की बीम है ये एक ऑप्टिकल सिस्टम है, और ये सिस्टम बना होता है लैम्प का, जिसमें मरकरी या फिर ज़िनॉन होता है। हाई पावर वाटर कूल्ड लेज़र होती है ये, जो कि आर्गन की, क्रिप्टॉन की, या फिर डाई लेज़र होती है, या फिर ये लो पावर एयर कूल्ड लेज़र होती है जो कि आर्गन गैस की होती है, जिसका 488 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है, या फिर रेड अगर लेज़र जा रही है ये, तो रेड लेज़र में हीलियम नियॉन की रेड लेज़र होती है जो कि 633 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली होती है। अगर ये ग्रीन लेज़र जाती है तो ये हीलियम नियॉन और हीलियम कैडमियम की यूवी लाइट होती है जो ग्रीन यहाँ से जाती है, या फिर ये डायोड लेज़र होती है
जो कि ब्लू, ग्रीन, रेड या वायलेट होती है, रिजल्टिंग इन लाइट सिग्नल्स। तो ऐसे लेज़र से लाइट सिग्नल्स पड़ती है। द डिटेक्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी जो एडीसी हैं सिस्टम, कन्वर्ट्स एनालॉग मेजरमेंट्स टू ऑफ द फॉरवर्ड स्कैटर्ड लाइट एंड साइड स्कैटर्ड लाइट एज वेल एज द डाई स्पेसिफिक फ्लोरोसेंस सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। तो ये जो डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का सिस्टम है, ये सिस्टम क्या करता है, इन सभी डिटेक्टर से आने वाली जो सिग्नल्स हैं उसको, ये जो फॉरवर्ड स्कैटर्ड लाइट्स हैं और जो साइड स्कैटर्ड लाइट्स हैं उसको, ये या फिर फ्लोरोसेंस से आने वाली सिग्नल लाइट्स हैं उन सभी को ये फाइनली कन्वर्ट करता है इनटू सिग्नल्स, इनटू डिजिटल सिग्नल्स, जो कि फाइनली प्रोसेस होते हैं टू द कंप्यूटर। तो ये यहाँ से कंप्यूटर में फाइनली प्रोसेस होते हैं। द एम्प्लीफिकेशन सिस्टम कैन बी लीनियर और लॉगरिथमिक। तो ये जो एम्प्लीफिकेशन का सिस्टम है, या तो लीनियर वे में काम करेगा या फिर लॉगरिथमिक वे में काम करेगा। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम सैंपल्स यूजिंग द फ्लो साइटोमीटर इज टर्म्ड एक्विजिशन। तो जो फ्लो साइटोमीटर से सैंपल का जो डाटा कलेक्शन होता है, इस प्रोसेस को एक्विजिशन कहते हैं, मतलब डाटा कलेक्शन की प्रोसेस को एक्विजिशन कहते हैं। एक्विजिशन इज मीडिएटेड बाय कंप्यूटर फिजिकली कनेक्टेड टू द फ्लो साइटोमीटर एंड द सॉफ्टवेयर विच हैंडल्स द डिजिटल इंटरफेस विद द साइटोमीटर। तो जो फ्लो साइटोमीटर की मशीन है उससे कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है, और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिजिटली इस पूरे सिस्टम को, पूरी मशीन को हैंडल करता है, इसलिए डिजिटल इंटरफेस होता है इसमें। दी सॉफ्टवेयर इज़ केपेबल ऑफ एडजस्टिंग पैरामीटर्स। तो ये सॉफ्टवेयर पर ही हम कंप्यूटर पे, जैसे वोल्टेज सेट करना है या वोल्टेज का कंपनसेशन करना है, तो वो हम सेट कर सकते हैं। लाइक इसमें जो भी सैंपल हमें टेस्ट करना है उसका वोल्टेज वगैरह हम कंपनसेट कर सकते हैं। ऑल्सो असिस्ट इन डिस्प्लेइंग इनिशियल सैंपल इंफॉर्मेशन वाइल एक्वायरिंग सैंपल डाटा टू इंश्योर दैट पैरामीटर्स आर सेट करेक्टली। तो ये जो सैंपल की इंफॉर्मेशन है इसको भी हम इजीली उसमें सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, जिससे हम जो भी डाटा हो इसके सारे पैरामीटर्स को करेक्टली एक्वायर कर सकें, एक्विजिशन उसका कर सकें। फ्लो साइटोमेट्री में अब और भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह जनरेट हुए हैं, जिसमें एडवांसमेंट आया है फॉर क्लिनिकल एंड रिसर्च पर्पस, और साथ में जो फ्लो साइटोमेट्री के लिए मार्केट में डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं, और बहुत सारे रिएजेंट्स हैं लाइक फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ वगैरह जो हैं, ये डेवलप की जा चुकी हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। अभी जो फ्लो साइटोमेट्री मशीन है इसमें मल्टीपल लेज़र और फ्लोरोसेंट डिटेक्टर हैं, मतलब ये वाला जो लेज़र सिस्टम है, ये मल्टीपल लेज़र सिस्टम आ गए हैं और डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरोसेंट डिटेक्टर सिस्टम हैं वो आ गए हैं। तो ये देखा गया है कि करंटली कमर्शियली अभी लगभग 10 लेज़र्स अवेलेबल हैं और 30 फ्लोरोसेंस डिटेक्टर अवेलेबल हैं। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है इन द फ्लो साइटोमेट्री। इतने ज़्यादा लेज़र्स और डिटेक्टर होने के कारण जो मल्टीपल एंटीबॉडी लेबलिंग है वो हो पा रही है, और साथ में जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको फिनोटिपिकली मार्कर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बहुत सारी सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाना पॉसिबल हो पा रहा है। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट कैन इवन टेक डिजिटल इमेज ऑफ द इंडिविजुअल सेल। कभी कभी अगर इंडिविजुअल सेल की इमेज भी लेना हो तो ये पॉसिबल है, अलाउइंग द एनालिसिस ऑफ फ्लोरोसेंट सिग्नल लोकेशन विद इन और ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल। तो चाहे वो फ्लोरोसेंट सिग्नल सेल के अंदर से आ रहा हो या फ्रॉम सर्फेस से आ रहा हो, उसको भी ले पाना बड़ा ईजी हो गया है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की जो फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल के मार्कर के साथ में अटैच हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डाटा एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनसेशन। ईच फ्लोरोक्रोम हैज़ ए ब्रॉड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रम। व्हेन मोर देन वन फ्लोरोक्रोम इज यूज्ड द ओवरलैप बिटवीन द फ्लोरोक्रोम इज कैन अकर।
दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ओवरलैप, यानी जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लोरोक्रोम्स होते हैं अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम भी बहुत बड़ा होता है और वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, तो ऐसे में इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ओवरलैप। सपोज़ कीजिए कि एक ही कोई फ्लोरोक्रोम है वो, या फिर फ्लोरोक्रोम जो है वो FITC और PE दोनों के साथ बाइंड हो रहा है और सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे में हमें ये करना ज़रूरी है कि FITC के फ्लोरोक्रोम सिग्नल्स को सेपरेट किया जाए और PE के फ्लोरोक्रोम सिग्नल को सेपरेट किया जाए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कलर कंपनसेशन करना। कंपनसेशन इज़ द मैथमेटिकल प्रोसेस बाय विच द स्पेक्ट्रल ओवरलैप ऑफ मल्टी पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्रिक डाटा इज करेक्टेड। तो ये कंपनसेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम किसी स्पेक्ट्रल ओवरलैप को मल्टी पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्रिक डाटा को करेक्ट करते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रल ओवरलैप है, जब ये फ्लोरोक्रोम से होता है तो एक कंफ्यूजिंग डाटा क्रिएट होता है, तो एनालिसिस ऑफ डाटा भी नहीं हो पाता, इसलिए कंपनसेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ओवरलैप्स होते हैं इसको हम स्पिल ओवर भी कहते हैं, और स्पिल ओवर एंड इनको जो क्वांटिफाई करते हैं हम, उसको हम कहते हैं स्पिल ओवर कोफिशिएंट। तो इट इज़ क्वांटिफाइड इन द स्पिल ओवर कोफिशिएंट इज यूजली कॉज्ड बाय डिटेक्टर्स फॉर ए सर्टेन फ्लोरोक्रोम मेजरिंग अ सिग्निफिकेंट पीक इन द वेवलेंथ फ्रॉम अ डिफरेंट फ्लोरोक्रोम। लीनियर एल्जेब्रा इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू मेक दिस करेक्शन। तो ये जो स्पिल ओवर है इसको कितनी बार ऐसा भी होता है कि जो डिटेक्टर होता है उसके कारण भी होता है, क्योंकि वो सेम फ्लोरोक्रोम्स को उनके सिग्निफिकेंट वेवलेंथ को मेज़र करता है फ्रॉम डिफरेंट फ्लोरोक्रोम। तो जो लीनियर एल्जेब्रा है उसका यूज़ करके इसका हमें करेक्शन करना चाहिए। नाउ जो डिटेक्टर होते हैं आखिर वो किस टाइप से इमेज को रीड आउट करते हैं, तो इसके लिए हम समझेंगे कि जैसे एक माइंड में रखें कि फ्लो साइटोमेट्री हम कर रहे हैं ब्लड के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ब्लड में जो है डिफरेंट टाइप के सेल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही लाइट सोर्स से जो लाइट की बीम आती है, लेज़र आती है, वो उसका डिफ्रेक्शन होता है फ्रॉम सेल। तो इसमें दो टाइप की स्केटरिंग होती है, पहली होती है फॉरवर्ड स्केटरिंग। तो जो डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है वो फॉरवर्ड डिटेक्टर से डिटेक्ट की जाती है, और ये डिटेक्टर डिफरेंट टाइप के जैसे ही अकॉर्डिंग टू सेल साइज़ अगर छोटा होता है तो एक ग्राफ बनाता है। तो यहाँ आप देखेंगे छोटा ग्राफ ये है, मिडिल साइज़ की सेल का ग्राफ ये है, और बड़ी लार्ज साइज़ की सेल का ग्राफ ये है। तो ये फॉरवर्ड स्केटरिंग से बनने वाला ग्राफ है। ऐसे ही दूसरा स्केटरिंग मेथड होता है जिसको हम कहते हैं साइड स्केटरिंग। तो साइड स्केटरिंग डिटेक्ट किया जाता है फ्रॉम साइड में लगे हुए जो डिटेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू, और इसमें ये देखा जाता है कि सेल कितनी डेंस है, यानी कि सेल के अंदर कितने ग्रेन्यूल्स हैं। तो जो जितनी कम ग्रेन्यूलर सेल होगी उतना कम डिफ्रेक्शन करेगी साइड डिफ्रेक्शन या साइड स्केटरिंग, और अगर किसी सेल में जितने ज़्यादा ग्रेन्यूल्स होंगे वो उतना ज़्यादा साइड डिफ्रेक्शन करेगी। तो यहाँ आप देखेंगे कम ग्रेन्यूल्स तो कम डिफ्रेक्शन, फिर और ग्रेन्यूल बढ़ें तो ज़्यादा डिफ्रेक्शन, और जिन सेल्स में सबसे ज़्यादा ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्रेक्शन होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर ये वाली सबसे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ग्रेन्यूलर सेल्स जो है काउंट वो ज़्यादा है। तो इस टाइप के दोनों डिफ्रेक्शन की दो फ्लोरोसेंट बेस्ड इमेजेस आती हैं, जिसमें फॉरवर्ड स्केटरिंग को एक्सिस पर रखा जाता है और साइड स्केटरिंग को जो है वाई एक्सिस पर रखा जाता है, जिसमें फॉरवर्ड स्केटरिंग जो है सेल साइज को बिलोंग करती है और साइड स्केटरिंग जो है वो सेल की ग्रेन्युलरिटी को या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बिलोंग करती है। और इन दोनों से बनने वाला जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है जिसमें डिफरेंट फ्लोरोसेंट के कलर्स होते हैं। मान लीजिए ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है। तो इस टाइप की एक जो इमेज होती है
वो एक डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होने के बाद में रीड आउट होती है, और उसका विजुलाइजेशन ऑन कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू किया जाता है। तो फाइनल जो पिक्चर देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि नंबर ऑफ़ फ्लोरोसेंट यहाँ इतना है, यहाँ पर इतना है, और यहाँ फ्लोरोसेंट इतना है। इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रोफिल्स यहाँ ज़्यादा है, मोनोसाइट्स कम हैं, लिम्फोसाइट और भी कम हैं, और नंबर ऑफ़ लिम्फोसाइट के ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेनुलरिटी जो ग्राफ तैयार होता है वो कुछ इस टाइप से तैयार होता है। तो इस टाइप से फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ डायग्राम्स बनते हैं, जो कि सिंगल डायमेंशन के हो सकते हैं, जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं, टू डायमेंशनल हो सकता है, यानी कि जिसको हम डॉट प्लॉट्स कहते हैं, या फिर थ्री डायमेंशनल हो सकता है। तो ये जो अलग अलग डायमेंशंस में बनते हैं, ये डिफरेंट टाइप के फ्लोरोसेंट के कलर के बेस्ड होते हैं, और इन फ्लोरोसेंट्स की डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, तो जिसको हम फाइनली क्रिएटिंग ए सीरीज ऑफ सबसेट एक्सट्रैक्शन टर्म्ड एज गेट, तो इसको हम गेट्स कहते हैं, और इस मेथड को, इस टेक्नोलॉजी को हम गेटिंग कहती हैं, जिसके थ्रू हमें एक जो पिक्चर है वो मिलती है। गेटिंग में बनने वाले भी जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट फ्लोरोसेंट्स के आपस में ओवरलैप हो जाने पर और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो द प्लॉट आर ऑफन मेड ऑन लॉगरिथमिक स्केल बिकॉज डिफरेंट फ्लोरोसेंट डाई इमिशन स्पेक्ट्रा ओवरलैप। सिग्नल्स एट डिटेक्टर्स हैव टू बी कंपनसेटेड इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज कंप्यूटेशनली। देन डाटा एक्यूमुलेटेड यूजिंग द फ्लो साइटोमीटर कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स। तो एक बार जब डाटा मिल जाता है तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको फ्लो साइटोमीटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। हम इस डाटा को एनालाइज किसी सेपरेट कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। इट इज़ स्पेशली नेसेसरी इन कोर फैसिलिटीज़ वेयर यूजर्स ऑफ दिस मशीन इज़ इन हाई डिमांड। बस इनिशियल फेज़ में इस मशीन की ज़रूरत होगी फ्लो साइटोमेट्री की, अदरवाइज़ फ्लो साइटोमीटर की, अदरवाइज़ जो डाटा हमें मिला है उसको हम सेपरेट दूसरे कंप्यूटर पे भी उसका कंप्यूटेशन कर सकते हैं। फ्लो साइटोमेट्री में अब ऑटोमेटेड मॉडल्स आ गए हैं, लाइक फ्लॉक, FLOCK, इम्यूनोलॉजी डाटाबेस एनालिसिस पोर्टल, इसको हम कहते हैं इम्पोर्ट। इसके अलावा एक आ गया है सेम स्पेक्ट्रल एंड नाइबर एम्बडिंग, ऐसे अलग अलग टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटेड आ गए हैं। फ्लो साइटोमेट्री से सिर्फ यही पता नहीं चलता है कि कौन कौन सी सेल्स है, इवन दो फ्लो साइटोमेट्री कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेल सॉर्टिंग। सपोज कीजिए मिक्सचर ऑफ सेल्स हैं और हमें पर्टिकुलर टाइप की सेल्स को सॉर्ट करना है, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्लो साइटोमेट्री। तो सेल सॉर्टिंग इज़ ए मेथड टू प्योरीफाई सेल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फ्लो साइटोमीटर्स विद सॉर्टिंग कैपेबिलिटीज द इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स सेल्स यूजिंग पैरामीटर्स इंक्लूडिंग सेल साइज। सेल साइज के बेसिस पर अलग कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, प्रोटीन एक्सप्रेशन के बेसिस पे, एंड देन ड्रॉपलेट टेक्नोलॉजी टू सॉर्ट सेल्स एंड रिकवर द सबसेट फॉर पोस्ट एक्सपेरिमेंटल यूज़। और बाद में इसका हम किसी दूसरे एक्सपेरिमेंटल यूज़ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब सॉर्टेड सेल्स हैं, तो सॉर्टेड सेल्स का यूज़ हम किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी कर सकते हैं। ऐसा ही फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर, यानी कि फैक्स बोलते हैं इसको, FACS, इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था या फिर जनरेट किया था लैन हर्जेनबर्ग ने, हु सब्सिक्वेंटली वॉन द कोटो प्राइज इन 2006 फॉर हिज सेमिनल वर्क। तो जो फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर है, ये इस मशीन का डिस्कवर किया था, इस मशीन को जनरेट किया था लैन हर्जेनबर्ग ने इन 2006। इसमें जो कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं उन सेल्स को एक वाइब्रेटिंग नोजल के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम मतलब किस चीज़ की स्ट्रीम जिसमें हमारी सेल्स हैं, द स्ट्रीम्स देन कैरीड द सेल थ्रू ए वाइब्रेटिंग नोजल विच जनरेट ड्रॉपलेट विथ मोस्ट कंटेनिंग आइदर वन सेल और नो सेल। एन इलेक्ट्रिकल
charging ring is placed just at the point where the stream breaks into the droplet and a charge is placed on the ring based immediately prior to fluorescence intensity being measured. तो जहाँ पर ये हमारा वाइब्रेटिंग नोजल रहता है, वाइब्रेटिंग नोजल होने के कारण क्या होगा कि जो स्ट्रीम होगी वो टूटेगी, और जब वो टूटेगी स्ट्रीम मतलब क्या होगी, एक धार, जैसे कि हम कोई सेल का मान लीजिए ब्लड ले लिया हमने, तो ब्लड की जो धार होगी वो टूटेगी और उसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस लग जाएंगे क्योंकि हमने जस्ट नोज़ल के नीचे एक इलेक्ट्रिकल चार्जिंग रिंग लगा रखी है जो कि उन सभी को चार्ज देगी, और वो जब चार्ज्ड होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्ज उनमें फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी मेज़र की जाएगी, किसी में हो सकता है फ्लोरोसेंस ज़्यादा आए, किसी में हो सकता है फ्लोरोसेंस कम आए। तो चार्ज आने के बाद में जो ड्रॉपलेट रहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स रहती है, वो अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज उनका जो अब उनका डिफ्लेक्शन होगा, मतलब वो नेचुरल पाथ पे नहीं जा करके जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन होगा उस सिस्टम के थ्रू अपना पाथ चेंज कर लेंगे और डाइवर्ट करेंगे। तो ऐसे में जो ड्रॉपलेट होगी वो डिफरेंट टाइप के जो कंटेनर्स होंगे उनमें अलग अलग ड्रॉपलेट्स अलग अलग कंटेनर में जाने लगेगी अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये एक कंटेनर है जिसमें हमारा फ्लूइड है और ये एक स्ट्रीम है जो कि इसमें बहुत सारे अलग अलग हमारी सेल्स हैं। यहाँ लेज़र बीम से सेल की साइज शेप सब मेज़र हो रहा है जो कि डिटेक्टर के थ्रू इसको इसकी इमेज बनाई जा रही है कंप्यूटर पे। नाउ ये जब नीचे जाती है तो यहाँ इसकी ये वाइब्रेटिंग नोज़ल है जिसमें सेल्स जो होती हैं वो उनमें एक्चुअल में वाइब्रेशन होने के कारण ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें इनको चार्जेस मिलते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज ये अलग अलग कंटेनर में सेपरेट होते चले जाते हैं। नॉर्मली जो फ्लो साइटोमीटर मशीन है वो केवल लाइट की स्केटरिंग की बेस्ड बेसिस पर ही काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया फॉरवर्ड स्केटरिंग और साइड स्केटरिंग जिसको कि फ्रॉम डिटेक्टर डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन जब हमें मल्टी पैरामीट्रिक एनालिसिस करनी हो, बहुत सारे पैरामीटर एनालिसिस करने हो, तो वी कैन ऑल्सो यूज़ लेबल्स डाइज एंड स्टेंस। तो लेबल्स जो डाइज या फिर जो स्टेंस होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स के साथ डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग करते हैं और इसी को हम कहते हैं इम्यूनोफिनोटाइपिंग। इम्यूनोफिनोटाइपिंग क्या है, इज़ द एनालिसिस ऑफ हेटरोजीनस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स यूजिंग लेबल्ड एंटीबॉडीज। तो कभी कभी आपको अगर इम्यूनोफिनोटाइपिंग करना है जिसमें इम्यूनो यूज हुआ है वर्ड, इसका मतलब ये है कि आप एंटीबॉडीज, इम्यूनो यानी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज़ की लेबलिंग करके आप उसको सेल पॉपुलेशन के साथ में बाइंड कर रहे हैं। तो एक हेटरोजीनस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एंटीबॉडी के साथ लेबल्ड हो जाती हैं। एंड अदर फ्लोरोफोर्स, अगर आप एंटीबॉडीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप फ्लोरोफोर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के कलर्स देते हैं, कंटेनिंग रिएजेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स भी आते हैं सच एज डाइज एंड स्टेंस, तो इसका आप यूज़ करके इम्यूनो फिनोटाइपिंग कर सकते हैं या फिर मल्टी पैरामेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम फ्लोरोसेंट लेबल्स की बात करें तो ये वाइड रेंज के फ्लोरोफोर्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड एज लेबल्स इन फ्लो साइटोमेट्री। फ्लोरोफोर्स आर सिंपली फ्लोर्स एंड टिपिकली अटैच्ड टू एन एंटीबॉडी दैट रिकॉग्नाइज अ टारगेट फीचर ऑन और इन द सेल। तो ये जो फ्लोरोफोर्स होते हैं इनको एंटीबॉडी से बाइंड कर दिया जाता है और ये एंटीबॉडी पर्टिकुलर सेल के साथ बाइंड हो जाती है। और ये भी कर सकते हैं कि दे में ऑल्सो अटैच टू ए केमिकल एंटिटी विथ एफिनिटी फॉर सेल मेम्ब्रेन और अनदर सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये फ्लोरोफोर्स को ऐसे अलग अलग केमिकल से भी बाइंड कर सकते हैं जो कि ऐसे केमिकल्स हों जो कि सेल मेम्ब्रेन पर या किसी सेलुलर स्ट्रक्चर पे एफिनिटी रखते हों बाइंड होने की। तो ऐसे केमिकल के साथ में हम फ्लोरोफोर को बाइंड कर सकते हैं। ईच फ्लोरोफोर हैज़ ए करेक्टरिस्टिक पीक एक्साइटेशन एंड इमिशन वेवलेंथ। तो ये फ्लोरोफोर का जो प्रिंसिपल है उस बेसिस पर है कि हर एक फ्लोरोफोर का अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एक्साइटेशन होता है जिसमें फोटॉन्स एक्साइट होते हैं, और जब वो वापस से एक्साइट होकर के उसमें एनर्जी जब डाउन होती है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ के
एनर्जी को रिलीज करते हैं। ऑल द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफन ओवरलैप, और बहुत सारे फ्लोरोफोर हैं, क्योंकि फ्लोरोफोर की जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा है कि वो आपस में उनका जो स्पेक्ट्रा होता है इमिशन का वो ओवरलैप करने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं जो इन पर्टिकुलर फ्लोरोसेंस की जो वेवलेंथ होती है उसको मेज़र करते हैं, और ऐसे लैम्प होते हैं जो कि इनको डिटेक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लेज़र और लैम्प्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिलीज़ करती हैं, ये फ्लोरोसेंस से टकराती हैं, फ्लोरोसेंस क्रिएट करती हैं, फ्लोरोक्रोम से टकराने के बाद में फ्लोरोसेंस क्रिएट होता है जो कि डिटेक्टर के थ्रू वापस से डिटेक्ट होता है। जो फ्लोरोक्रोम से जो वेवलेंथ जनरेट होती है वो डिटेक्टर को डिटेक्ट होती है, और ऐसे अलग अलग टाइप के जो डिटेक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप के फ्लोरोक्रोम्स को डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं। तो ऐसे 17 से 18 अलग अलग टाइप के फ्लोरोसेंट लेबल्स हैं जिनका हम फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस यूज़ करते हैं, नॉट ओनली फॉर फ्लो साइटोमेट्री बट इसके अलावा जैसे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है इसमें भी हम यूज़ करते हैं। फ्लोरोफोर के अलावा एक नई चीज़ आ गई है जिसको हम क्वांटम डॉट्स कहते हैं। क्वांटम डॉट्स आर समटाइम्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल फ्लोरोफोर्स बिकॉज ऑफ देयर नैरोवर इमिशन पीक। तो जैसे फ्लोरोफोर्स आपस में जो इमिशंस क्रिएट करते हैं वो ओवरलैप होते हैं, तो उनके स्पेक्ट्रल ओवरलैप होने की प्रॉपर्टी होती है, तो क्वांटम डॉट्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि उनका नैरोवर इमिशन पीक होता है, इसलिए हो सकता है कहीं कहीं क्वांटम डॉट्स भी यूज़ किया जाता हो। इसके अलावा एक लेबल और होता है जिसको हम आइसोटोप लेबलिंग कहते हैं। आइसोटोप लेबलिंग में हम लेंथिनाइड आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं, ये लेंथिनाइड आइसोटोप्स जो होते हैं ये एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो जाते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो होती है सेल के पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ या पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट के साथ में बाइंड होने की एफिनिटी रखते हैं। फ्लो साइटोमेट्री में जैसे हम सेलुलर या सेल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसी इंडिविजुअल सेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं वाया फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़, वैसे ही अब हम सेलुलर प्रोडक्ट्स लाइक साइटोकाइंस, प्रोटीन्स और इन अदर फैक्टर्स का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम पहले एलाइजा यूज़ करते थे, सैंडविच ऐसे यूज़ करते थे, वैसे ही अब हम यूज़ करते हैं साइटोमेट्रिक बीड एरे यानी CBA। ये साइटोमेट्रिक बीड एरे ऐसे जो होता है इससे हम डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस और प्रोटीन्स का भी डिटेक्शन करते हैं, जिसमें ये मल्टीपल बीड पॉपुलेशन होती है टिपिकली डिफरेंशिएट करती है बाय साइज एंड डिफरेंट लेवल ऑफ फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी टू डिस्टिंग्विश मल्टीपल एनालाइट्स। एनालाइट्स कौन हो गए, ये साइटोकाइंस हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी हम इन एनालाइट्स को डिफरेंशिएट करते हैं इन्हें सिंगल एसे। कैसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनालाइट कैप्चर्ड इज डिटेक्टेड बाय बायोटेनाइलेटेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए सेकेंडरी एपिटोप ऑफ द प्रोटीन फॉलोड बाय स्ट्रेप्टोविडिन आर फाइकोएरिथ्रिन ट्रीटमेंट। देखो हमारी जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो बायोटेनाइलेटेड रहती हैं, और हमारा जो टारगेट प्रोटीन रहता है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है वो स्ट्रेप्टोविडिन आर फाइकोएरिथ्रिन कोटेड रहता है। तो ये स्ट्रेप्टोविडिन बायोटिन के साथ में बहुत स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करता है, और इसी मेथड को यूज़ करके हम इन प्रोटीन्स का डिटेक्शन करते हैं। और हमारी ये जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं ये बायोटिन रिलेटेड तो रहती हैं, साथ में फ्लोरोसेंस भी इसमें लेबल्ड रहता है, और इनका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है 488 नैनोमीटर पर ये एक्साइट होते हैं। तो 488 नैनोमीटर का एक्साइटेशन दिया जाता है जिसके कारण इसमें जो डिफरेंट फ्लोरोसेंट की इंटेंसिटी हमको देखने को मिलती है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इन द सैंपल्स कैन बी ऑब्टेंड बाय कंपेयरिंग द फ्लोरोसेंट सिग्नल्स टू दोज टू द स्टैंडर्ड कर्व जनरेटेड फ्रॉम ए सीरियल डाइल्यूशन ऑफ ए नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। तो पहले से ही हमारे हाथ में एक नॉन एनालाइट रहता है जिसका नॉन कंसंट्रेशन रहता है, और उसमें डिफरेंट उसके डाइल्यूशंस रहते हैं जिसका हमको पहले से ही पता होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एक कर्व बनाते हैं अननोन का, और उसमें हम फ्लोरोसेंट के सिग्नल्स को मेज़र करते हैं।
कॉमनली ऑल्सो रिफर्ड टू एज साइटोकाइन बीड एरे। तो इसी को, इस पूरी मेथड को हम साइटोमेट्रिक बीड एरे ऐसे कहने की बजाय साइटोकाइन बीड एरे कहते हैं जब हम किसी साइटोकाइन का डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इम्पीडेंस फ्लो साइटोमेट्री। इम्पीडेंस फ्लो साइटोमेट्री और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि बेसिकली एक लैब ऑन चिप टेक्निक है। इसको हम काउंटर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी और बहुत हाई वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं, जिनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज़ तक होती है। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो हम यूज़ करते हैं, ये पहला एक स्पेशल फीचर है इम्पीडेंस फ्लो साइटोमेट्री का। दूसरा ये है कि इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट, एसी का करंट यूज़ करते हैं रेदर देन डायरेक्ट डीसी। तो डीसी का करंट हम यूज़ नहीं करते। तो ये इसमें क्वालिटी है, जिसके कारण होता ये है कि इसमें बहुत सारी सेल्स, वैरायटी ऑफ सेल्स, वर्चुअली ऑल साइज ऑफ सेल्स और पार्टिकल्स हम इसमें सॉर्ट कर सकते हैं। द रिलेटिव स्मॉल साइज एंड रोबस्टनेस अलाउ बैटरी पावर्ड ऑन साइट यूज़ इन द फील्ड। तो इसका साइज़ बहुत छोटा होता है मशीन का, तो इसलिए हम इसको एज ए बैटरी पावर लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका कैपेसिटेंस कितना है वो भी मेज़र कर सकते हैं, वो सेल कितनी वायबल है उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। नाउ फ्लो साइटोमेट्री से हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि हम क्या क्या मेजरेबल पैरामीटर्स हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं, वो है फर्स्ट एपोप्टोसिस। लाइक एपोप्टोसिस में हम क्वांटिटेशन, मेजरमेंट ऑफ डीएनए डिग्रेडेशन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पोटेंशियल परमेबिलिटी चेंज, देन कैस्पास एक्टिविटी, इसके अलावा सेल एडिशन, सेल एड्रेंस देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस पैथोजन होस्ट सेल एड्रेशन देख सकते हैं, सेल पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल एंड फाइकोएरिथ्रिन देख सकते हैं, सेल सरफेस एंटीजन लाइक क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, सीडी मार्कर्स देख सकते हैं, सेल वायबिलिटी देख सकते हैं, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स देख सकते हैं कि ट्यूमर सेल्स कौन कौन सी हैं, उनका आइसोलेशन कर सकते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, देन कैरेक्टराइजिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR इन द कैंसर सेल्स, देन क्रोमोसोम एनालिसिस एंड सॉर्टिंग। तो क्रोमोसोम की एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, इसका हम कर सकते हैं, क्रोमोसोम पेंट कर सकते हैं, देन DNA कॉपी नंबर वेरिएशन। तो DNA कॉपी नंबर को भी वेरिएशन कितना हो रहा है उसको मेज़र कर सकते हैं बाय फ्लो फिश एंड बैक ऑन बीड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। इसके अलावा ये बैक एक्चुअल में वो होते हैं प्लाज्मिड्स होते हैं, जो कि बैक्टीरियल सिस्टम के प्लाज्मिड्स होते हैं। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटी देख सकते हैं, ग्लूटाथियन एक्टिविटी देख सकते हैं, इंट्रासेल्युलर एंटीजन्स जैसे बहुत सारे, इसके अलावा साइटोकाइंस हैं, सेकेंडरी मीडिएटर्स हैं, या फिर इंट्रासेल्युलर एंटीजन्स के अलावा इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग सिस्टम को हम देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लो साइटोमेट्री से हम मेम्ब्रेन फ्लूडिटी को देख सकते हैं, मॉनिटरिंग इलेक्ट्रो परमेबलाइजेशन ऑफ सेल्स को देख सकते हैं, न्यूक्लियर एंटीजन्स देख सकते हैं, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट देख सकते हैं, pH, इंट्रासेल्युलर आयनाइज्ड कैल्शियम, मैग्नीशियम, मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख सकते हैं, प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड लोकलाइजेशन देख सकते हैं, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, फॉस्फोप्रोटीन देख सकते हैं, स्केटरिंग ऑफ लाइट कैन बी यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ फॉरवर्ड स्केटरिंग एंड मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी लाइक फ्रॉम साइड स्केटरिंग, जैसा मैंने आपको ये दोनों टर्म पहले भी बताए थे इसमें, ऑफ द सेल और अदर पार्टिकल्स इवन दो दे कैन नॉन फ्लोरोसेंट। तो लेज़र बीम से प्राइमरी डिटेक्शन हमारा फॉरवर्ड और साइड स्केटरिंग से हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें मल्टीपल डिटेक्शन करने हो तो हम फ्लोरोसेंट्स और अदर लेबल्स लाइक डाइज, स्टेंस का यूज़ करते हैं। दीज आर कन्वेंशनली एब्रीविएटेड एज फ्लोरोसेंट FSC एंड SSC रिस्पेक्टिवली। तो नॉन फ्लोरोसेंट और ये F यानी फ्लोरोसेंट बेस्ड। देन टोटल DNA कंटेंट हम देख सकते हैं लाइक सेल साइकिल एनालिसिस, सेल काइनेटिक्स, प्रोलिफरेशन, देन प्लॉइडी, NU प्लॉइडी वगैरह, या फिर एंडो रिप्रोडक्शन वगैरह देख सकते हैं।
टोटल आरएनए कंटेंट देख सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स इन विवो, पर्टिकुलरली द ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन और रिलेटेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स देख सकते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए सरफेस एंटीजेंस वगैरह देख सकते हैं। तो ये था अभी तक कि हम आखिर फ्लो साइटोमेट्री का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो फ्लो साइटोमेट्री है उसका एप्लीकेशन को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। द टेक्नोलॉजी हैज़ एप्लीकेशन इन द नंबर ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग मॉलिकुलर बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, देन प्लांट बायोलॉजी एंड मैराइन बायोलॉजी। इट हैज़ अ ब्रॉड एप्लीकेशन इन मेडिसिन, स्पेशली इन ट्रांसप्लांटेशन, हेमेटोलॉजी, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी एंड कीमोथेरेपी, देन प्रीनेटल डायग्नोसिस, जेनेटिक्स एंड स्पर्म सॉर्टिंग फॉर सेक्स प्रिडिलेक्शन। फ्लो साइटोमेट्री इज वाइडली अप्लाइड टू डिटेक्ट स्पर्म सेल्स, एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद द डीएनए फ्रेगमेंटेशन एंड मैन या फिर मेल फर्टिलिटी ऐसे। ऑल्सो इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन रिसर्च फॉर डिटेक्शन ऑफ डीएनए डैमेज, केस्पास क्लीवेज एंड एपोप्टोसिस। फोटो एकॉस्टिक फ्लो साइटोमेट्री इज यूज इन स्टडी ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमनली मार्सा, टू डिटेक्ट, डिफ्रेंशिएट एंड क्वान्टिफाई बैक्टीरिया इन द ब्लड मार्क्ड विथ डाइड बैक्टेरियोफेजेस। तो मतलब आप समझें कि माइक्रोबायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि हम सीधा बैक्टीरिया को ना ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि उसका क्वान्टिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आखिर कितना है। तो इस मेथड में हमको कल्चर करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना कल्चर किए हम सीधे बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेशन कर सकते हैं। इन न्यूरोसाइंस, को एक्सप्रेशन ऑफ सेल सरफेस एंड इंट्रासेलुलर एंटीजेंस कैन आल्सो बी एनालाइज्ड। इन माइक्रोबायोलॉजी, इट कैन बी यूज्ड टू स्क्रीन एंड सॉर्ट ट्रांसपोजोन म्यूटेशन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टेड विद जीएफपी इनकोडिंग ट्रांसपोजोन्स। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं उसका डिटेक्शन इसमें कर सकते हैं, और टू ऐसे वायबिलिटी। इन प्रोटीन इंजीनियरिंग, फ्लो साइटोमेट्री यूज टू कंजेक्शन विथ यीस्ट डिस्प्ले। यीस्ट डिस्प्ले में जो प्रोटीन बनता है वो, देन बैक्टीरियल डिस्प्ले में जो प्रोटीन बनता है वो, या फिर इसमें फास्ट डिस्प्ले भी ले सकते हैं। फास्ट डिस्प्ले में जो प्रोटीन बनता है उसके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो आप फास्ट डिस्प्ले से बेस्ड मेरा एक और वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। देन टू आइडेंटिफाई सेल सरफेस डिस्प्लेड प्रोटीन वेरियंट्स। तो सेल सरफेस पे किस किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ फ्लो साइटोमेट्री ओवर हिस्टोलॉजी एंड इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री इज़ द पॉसिबिलिटी टू प्रिसाइजली मेजर द क्वांटिटीज ऑफ एंटीजेंस एंड द पॉसिबिलिटीज टू स्टेन ईच सेल विथ मल्टीपल एंटीबॉडी फ्लोरोफोर्स। तो आप ये समझें कि जहाँ हम हिस्टोलॉजी कर रहे हैं या फिर जहाँ हम इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, उसके बजाय हम फ्लो साइटोमेट्री के मेथड से क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एंटीजन है वो कितना है, क्योंकि आप इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ फ्लो साइटोमेट्री से इन एंटीजेंस को लेबलिंग करके फ्लोरोक्रोम से या फिर एंटीबॉडी फ्लोरोक्रोम लेबलिंग करके, फ्लोरोफोर लेबलिंग करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंटीजन कौन सा है, साथ में आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि एंटीजन कितना है। अराउंड इन करंट लेबोरेटरीज अराउंड 10 एंटीबॉडीज कैन बी बाउंड टू ईच सेल। दिस इज मच लेस देन मास साइटोमीटर्स वेयर द अप टू 40 कैन बी करंटली मेजर्ड बट एट द हायर प्राइस एंड लोअर प्राइस। नाउ एक्वेटिक रिसर्च में फ्लो साइटोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। सो एक्वेटिक रिसर्च चूँकि हमसे बिलोंग नहीं करता है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है सेल प्रोलीफ्रेशन। ऐसे सेल प्रोलीफ्रेशन इज द मेजर फंक्शन इन द इम्यून सिस्टम। ऑफन इट इज़ रिक्वायर्ड टू एनालाइज द प्रोलीफरेटिव नेचर ऑफ द सेल इन ऑर्डर टू मेक सम कंक्लूजन। अगर सेल्स प्रोलीफरेटिंग है तो डेफिनेटली साइटोकाइन रिलीज करेगी और डेफिनेटली डिफरेंट इंट्रैक्शन करेगी डिफरेंट अदर सेल्स से। तो इम्यूनिटी है या नहीं उसके बारे में हम स्टडी कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रोलीफरेशन। ऐसे वन सच ऐसे टू डिटरमाइन द सेल प्रोलीफरेशन इज ट्रैकिंग डाई, और डाई का क्या नाम है, कार्बोक्सी फ्लोरोसिन डाई एसिटेट सक्सिनाई माइडाइल एस्टर। सक्सिनाई माइडाइल एस्टर ये डाई का नाम है। इट हेल्प्स टू मॉनिटर प्रोलीफरेटिव सेल्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी एफ
SE भी कहते हैं, CF SE भी कहते हैं। दिस डाई बाउंड टू लॉन्ग लिव्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो जो लंबे टाइम तक जीते हैं ऐसी सेल्स के साथ में ये डाई बाइंड हो जाती है। व्हेन द सेल डिवाइड्स द मॉलिक्यूल डिवाइड टू, मतलब मॉलिक्यूल भी इसमें जो होता है जैसे जैसे सेल डिवाइड होती जाती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल भी डिवाइड होता है। द डॉटर सेल पजेस हाफ द डाई देन द पेरेंट्स पॉपुलेशन, तो डॉटर्स में डाई का कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। द दिस डिक्रीज इन द इंटेंसिटी कैन विजुलाइज बाय द फ्लो साइटोमेट्री। अगर मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में डाई डाली है और वो डिफरेंट सेल्स में उसकी क्वांटिटी डिक्रीज दिख रही है, दैट मीन्स सेल प्रोलिफरेट हो रही है। इन लिटरेचर दिस पावरफुल टेक्निक ऑफ फ्लो साइटोमेट्री एंड CFSE हैज बीन यूज्ड टू फाइंड द एफिकेसी ऑफ टी सेल्स इन किलिंग द टारगेट सेल इन द कैंसर सच एज ल्यूकेमिया। इन ऑर्डर टू विजुलाइज द टारगेट सेल डेथ बोथ रेपिड एंड स्लो, साइंटिस्ट हैव यूज्ड CFSE लेबलिंग विद एंटीबॉडी स्टेनिंग ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स एंड फ्लोसेंटली लेबल्ड माइक्रोब्स माइक्रोबीट्स। दिस ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ टारगेट सेल्स अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन साइटोकाइंस। तो इसमें बस जो मेन है इम्पॉर्टेंट वो डाई का नाम याद रखना है। इसका नाम है कार्बोक्सीफ्लोरोसिन डाइएसिटेट सक्सिनाइमाइडाइल एस्टर, जिसको हम CFSE भी कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट द एप्लीकेशन इज टू मेज़र जीनोम साइज। तो फ्लो साइटोमेट्री का जो यूज़ है वो टू मेज़र जीनोम साइज एंड मोर प्रिसाइजली द अमाउंट ऑफ DNA इन ए सेल और न्यूक्लियस। ऑल दो जीनोम कैन बी एनालाइज्ड विथ मोर प्रिसाइजली बाय जीनोम सिक्वेंसिंग, दिस इज़ वन डिफिकल्ट ड्यू टू द हाई फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो क्रोमोसोम्स और रेपिटेटिव सिक्वेंसेस विच मे बी मिसिंग बाय सिक्वेंसिंग। तो हमें पता है कि जैसे हम सिंगल सिक्वेंसिंग वगैरह कर रहे हैं या हम जो अदर न्यू जनरेशन सिक्वेंसिंग ये कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी जो रिपीटेटिव सिक्वेंसेस होते हैं या जो काफ़ी डेंस माइक्रो क्रोमोसोम्स होते हैं, हाई फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सिक्वेंस नहीं हो पाते, तब ऐसे में हमें फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। और विच गेट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग द एनालिसिस स्टेप्स व्हेन दे कैन नॉट बी असाइंड टू क्रोमोसोम। तो कभी कभी ये फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं और ये सिक्वेंसिंग में हमें पता नहीं चल पाते, तो ऐसे में फ्लो साइटोमेट्री इज़ द बेस्ट टेक्निक। हाउएवर फ्लो साइटोमेट्री इज़ नॉट परफेक्ट इधर, द रिजल्टिंग जीनोम साइज मे डिफर बेस्ड ऑन डाई यूज्ड। इसमें भी डाई यूज़ होती है। एन एनालिसिस ऑफ फिश जीनोम रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट जीनोम साइज व्हेन प्रोपीडियम आयोडाइड एंड DAPI वेयर यूज्ड। तो PI और DAPI का जब यूज़ करते हैं तो हम जीनोम के साइज को सिग्निफिकेंटली देख पाते हैं इन केस ऑफ फिश जीनोम रिस्पेक्टिवली। फॉर इंस्टेंस द जीनोम ऑफ एंग्विला जोपोनिका वॉज फाउंड टू कंटेन 1.09 PG ऑफ DNA, पिकोग्राम ऑफ DNA विथ PI वर्सेस 1.25 PG विथ DAPI। तो ये PI और DAPI क्या है एक्चुअल में, डिफरेंट टाइप के लेबल्स हैं, या आप ये कहें प्रोपीडियम आयोडाइड वगैरह ये जो हैं, या तो ये शायद आइसोटोप्स होंगे जिनका हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली द जीनोम ऑफ मिक्सो साइप्रिनस एसिएटिकस वॉज फाउंड टू कंटेन 2.75 picogram ऑफ DNA वर्सेस 3.08 picogram DAPI, दैट इज़ द डिफरेंस वेयर ऑन द ऑर्डर ऑफ 12-14%। तो इसका मतलब ये कि फ्लो साइटोमेट्री में हम जो है PI और DAPI जो लेबल्स हैं इनका यूज़ करके जीनोम के साइज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें हम सिक्वेंसिंग करने के बाद भी जो रिपीटेटिव सिक्वेंसेस हैं या जो माइक्रो सिक्वेंसेस हैं या माइक्रो क्रोमोसोम्स हैं जो बार बार फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, जिनका एनालिसिस नहीं कर सकते, तो वहाँ कहीं ना कहीं विथ सम लिमिटेशंस हम जीनोम साइज को भी मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लो साइटोमेट्री। आई ट्राई टू कवर ऑल द मटेरियल अबाउट द फ्लो साइटोमेट्री, try to explain each and everything. Hope you understood this topic well.
If you like this video and if you want to more about the different type of topics like this, so definitely you subscribe my YouTube channel and kindly share my videos. Thanks.